नमस्कार, मैं हूं शारदा जायसवाल। आप देख रहे हैं इन24 न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं खबर महाराष्ट्र पर। खबर है मुंबई की बोरीवली से, जहां बोरीवली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बोरीवली पुलिस ने 3 ऐसे शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जिसके ऊपर मुंबई थाने और पालघर में 36 से ज्यादा लगभग चोरी और ठगी के कई मामले दर्ज हैं। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 10 बाइक और स्कूटी बरामद की गई है, जिसकी कुल कीमत लगभग 5,35,000 रुपए हैं। आपको बता दें कि 17 फरवरी की रात बोरीवली पुलिस स्टेशन की डिटेक्शन टीम के अधिकारी पुलिस उप निरीक्षक इंद्रजीत पाटिल की निगरानी में गश्त कर रहे थे। तभी पुलिस की टीम को रात 3 बजे के आसपास 3 लोग घूमते हुए दिखाई दिए और फिर पुलिस ने उनसे पूछताछ करने की कोशिश की तो फौरन वहां से तीनों भागने लगे, जिसमें पुलिस ने मिलिंद मनोहर सामंत, जिसकी उम्र 29 साल है, अरविंद राजेंद्र गडकरी 28 वर्षीय को पुलिस ने फौरन धर दबोचा। वहीं एक आरोपी जिसका नाम यश दीपक कोठरी है, वह मौके से फरार हो गया था, जिसकी पुलिस तलाश कर रही थी। बता दें कि गिरफ्तार दोनों आरोपी मिलिंद और अरविंद कांदिवली पश्चिम रेणुका नगर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इन पकड़े गए आरोपियों में मिलिंद मनोहर सावंत के ऊपर 19 चोरी के मामले दर्ज हैं, अरविंद राजेंद्र गडकरी के खिलाफ 3 मामले और यश दीपक कोठरी, जो कि फरार था, उसके ऊपर 14 मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में तीसरे आरोपी दीपक कोठरी को भी गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच जारी है। बोरीवली पुलिस थाने के गुने प्रगतिकरण के पुलिस उप निरीक्षक इंद्रजीत पाटिल और उनके सहकारी हवलदार शेख बहरम दादो भोये और सरदे रात समय पुलिस थाने हद्दे में गश्त करते वक्त उनको मिलिंद मनोहर सावंत और अरविंद राजेंद्र गडकरी ये एक्यूज मिल गए। सस्पेक्टेड ये थे, उनके पास घरपुरी का साहित्य था। बाद में पुलिस स्टेशन लाकर उनके पास इंक्वायरी कर दिया तो उनका एक साथीदार यश दीपक कोठारी है, ऐसा उन्होंने बताया। फिर इनको अरेस्ट करने के बाद इन्होंने हर जगह 10 मोटरसाइकिल चोरी किया, स्कूटी पब्लिक मोटरसाइकिल चोरी किया, ऐसा उन्होंने बताया, वो रिकवर किया है पुलिस स्टेशन ने। सदर के जो एक्यूज अरेस्ट किए हैं मिलिंद मनोहर सावंत, ये इनके ऊपर 17 गुने हैं, यश दीपक कोठारी के ऊपर 14 गुने हैं, अरविंद राजेंद्र गडकरी के ऊपर 3 गुने हैं। ये सभी गुने घरफोड़ी और चोरी के हैं। ये तीनों आरोपी एक साथ चोरी करते थे और उनका मतलब ये है कि ये जो चोरी का मोटरसाइकिल है या जो भी कोई चीज़ है वो बेच के खुद के परिवार का पेट भरते। ये तीनों आरोपी जो है मोटरसाइकिल के वहाँ पे, जैसा 3 आरोपी, तो वो एक को सर्च करेगा, देखेगा कोई आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, और तुरंत तो मोटरसाइकिल को चोरी करके निकल जाते थे। उनको उनके पास या तो नकली चाबी होगी।